चिल्ड्रेन, आज अपन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब में क्या आएगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये है क्यूब का आइडेंटिटी। ठीक है, ये माइनस का और प्लस वाला होगा तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। इसके सम में एक करवाता हूँ, देखिए दो सम्स करवाऊंगा तो आपको आइडिया आ जाएगा। 27 क्यूब प्लस 8, तो 27 किसका क्यूब होता है, 3 का क्यूब, और 8 किसका क्यूब होता है, 2 का। दैट मीन्स ये आइडेंटिटी पता चल रहा है, ये क्यूब का है। तो क्या करेंगे, पहले 3x प्लस 2, फिर क्या करते हैं 3x का स्क्वायर माइनस 3x और 2 और लास्ट नंबर का स्क्वायर। तो 3x प्लस 2 ऐसे का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे 9x स्क्वायर माइनस 3 टू जो 6, 6 प्लस किसका स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया प्लस वाले सम का। वही अभी माइनस वाले का करते हैं, 64x क्यूब माइनस 125y क्यूब, तो ये किसका क्यूब है, 4 का क्यूब, और ये किसका क्यूब है, 5y का क्यूब। तो माइनस का आइडेंटिटी है, तो 4x माइनस 5y, फिर 4x का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4x इंटू 5y, ओके, प्लस 5y का स्क्वायर। ठीक है, तो 4x माइनस 5 तो सेम टू सेम रहेगा, और इसका 4 का क्या हो जाएगा, 16 स्क्वायर, 4 5 जा 20, 20xy और 25y स्क्वायर। ठीक है, ऐसे आपको ये सम सॉल्व करना है।